अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इजी मज़ेदार ब्राउनी इन अ मग की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बहुत इजी है और ये एगलेस भी है, और एगलेस होने के बावजूद ये बहुत टेस्टी बनती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बनाई थी पहले जो कि राइट अवे ही ख़त्म हो गई, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने इसको कप में बनाया है, चाय का कप जो छोटा होता है उसमें बनाया है, मग में नहीं बनाया। तो डिफरेंस आप ये देख सकते हैं, मग थोड़ा बड़ा है और कप जो रेगुलर हर घर में होता है उसमें आप इसको बनाएंगे। अब सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आप लेंगे 3 खाने के चम्मच मैदा। मैं परफेक्शन के लिए और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स को छानूंगी और मिक्स करूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कप में भी ले सकते हैं। और इसके बाद जाएगा 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, और मैं यहाँ पे हर्शेज़ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा कोको पाउडर यूज़ करती हूँ। साथ में ही जाएगा 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, मेक श्योर कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जाएगी 4 खाने के चम्मच चीनी, मैं यहाँ पे बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप रेगुलर ग्रैनुलेटेड यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 खाने के चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। इसको छान लें और फिर इसके बाद इसको मिक्स कर लें। अब इस मैदे के मिक्सचर को चाय के कप में ट्रांसफ़र कर दें, तो देखें कितनी आसानी हो गई। इसके बाद इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच तेल, मैं यहाँ पे कैनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऐड कर दें 2 खाने के चम्मच पानी, इनिशियली मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ, ज़रूरत रही तो और ऐड कर लूँगी। और 1/4 चाय का चम्मच जाएगा वनीला एसेंस, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। इसके बाद इसको मिक्स कर लें। मैं 1 खाने का चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ स्मूथ बैटर के लिए, और बस अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना रहें। और ये देख लीजिए, यहाँ पे ब्राउनी का बहुत ही स्मूथ सा बैटर माइक्रोवेव में जाने के लिए रेडी है। इसी स्टेज पे आप चॉप की हुई चॉकलेट या अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इस कप को मैं माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी, और याद रहे कि ये बेकिंग ओवन नहीं, माइक्रोवेव करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर लगा दिया है, और ये वही ओवन है जिसमें हम डेली बेसिस पर खाना गरम करते हैं। और ये 1 मिनट के बाद आप रिज़ल्ट देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। और ब्राउनी इन अ कप और मग, अगर आप मग में बनाना चाहें तो ये देखें बिल्कुल रेडी है। गरम गरम ब्राउनी को आप न्यूटेला के साथ भी खा सकते हैं, या फिर वनीला आइसक्रीम के एक स्कूप के साथ आप इसको एंजॉय करें तो बहुत ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन बनता है। ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा जो मेरी बेटी का चैनल है प्रिंसेस किरत, उसको भी सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।